हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो टिप्स देने जा रही हूँ उससे आप अपनी स्किन को बहुत ही ज्यादा अच्छा रख सकते हैं, अपने चेहरे को खूबसूरत रख सकते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम खूबसूरत लगे, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रूटीन में करनी पड़ती है, जो कि हम नहीं करते। आज मैं आपको वही कुछ चीजें बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ईजी है और आप उसे बड़े ईजीली कर सकते हैं। तो इसे बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि आप अपने आप को कैसे सुंदर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सुंदर रखने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है क्लींजिंग करनी। क्लींजिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताना चाहूंगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही आलसी होते हैं कि हम मेकअप करके गए हैं, आए हैं और आके हमने फेस वॉश नहीं किया। तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि आप कहीं भी घूम के आते हैं तो आपने आके फेस वॉश जरूर करना है, क्योंकि जो डस्ट है वो निकल जाती है साथ के साथ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो फेस वॉश नहीं करते, तो कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ही ठंड लग रही है, हम फेस वॉश नहीं करते। कुछ लोग गर्मी में भी बड़ा आलस करते हैं कि आलस के मारे फेस वॉश नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ठंड लग रही है या आपको पानी से वो हो रहा है कि मैं फेस वॉश बार बार नहीं करना चाहती, तो अगर आप मेकअप करके गए हैं कहीं से भी आए हैं तो वैसलीन जो है हर एक के घर में होती है, वैसलीन है ये, तो आप थोड़ी सी वैसलीन लें हाथ पे, इससे अपने चेहरे पे लगा लें, अप्लाई कर लें जैसे क्रीम को लगाते हैं। लगाने के साथ ही आपने टिश्यू लेना, टिश्यू से अपनी स्किन को साफ कर देना, पोंछ लेना, तो इससे आपकी पूरी तरह से क्लींजिंग हो जाएगी। आपके चेहरे पे जो डस्ट है या क्रीम है वो आपकी निकल जाएगी। देखा ना कितना आसान है ये तरीका। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है। अब ड्राई स्किन के ऊपर हमने क्या करना है, ड्राई के ऊपर आपने नारियल का तेल लेना है, हाथ पे लगाना है और चेहरे पे लगा लेना है, साथ ही आपने टिश्यू लेना और पोंछ देना, उससे भी आपकी डस्ट निकल जाएगी। अब स्किन कईयों की ऑयली होती है, तो मैंने ये पूरी हर तरह की स्किन वालों के लिए मैंने बताई क्लींजिंग। तो जिनकी ऑयली होती है वो एलोवेरा जेल लें, ये हाथ पे लगाएं, उसके बाद चेहरे पे इसको लगा लें, अप्लाई कर लें और साथ के साथ टिश्यू से साफ कर दें, तो आप देखेंगे कि इससे पूरी डस्ट जो है पूरी तरह से निकल जाएगी। तो ये कितना ईजी है क्लीन करना अपने चेहरे को, ये आपने रोज करना है। ये नहीं है कि आपने वीक में दो बार, वीक में तीन बार, ऐसा नहीं है, इसे आपने डेली करना है। आप दो बार भी कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, एक बार सोने से पहले जरूर करें। तो ये तो आपकी होगी डस्ट निकलने का जो तरीका है, डस्ट निकलने। अब इसके बाद आती है चेहरे पे स्क्रबिंग करनी, लेकिन स्क्रबिंग जो है वो आपने डेली नहीं करनी, या आपने वीक में एक बार या दो बार करनी है। उसके लिए मैं आपको बहुत इजी वे बता रही हूँ। आप टमाटर लें, ये मैंने टमाटर लिया आधा, इसके ऊपर मैंने हल्की सी चीनी डाल दी यानी शुगर डाल दी। आपने इस शुगर वाले टमाटर को अपने चेहरे पे रब कर लेना, यानी जस्ट इस तरह से आप राउंड राउंड घुमाते हुए आप अपने चेहरे को स्क्रब कर सकते हैं। ये कम से कम आपने 5 या 10 मिनट भी जरूरी नहीं है, आप 5 मिनट भी कर लो तो काफी। करने के बाद पूरी तरह से अप्लाई करने के बाद इसे इस तरह से रब करने के बाद आपने वॉश कर लेना, बीच बीच में स्क्वीज करते रहे, थोड़ा थोड़ा इसको निचोड़ते रहे, तो इससे आपका चेहरा बहुत ही खिला खिला और जो अंदर पोरों के अंदर आपकी डस्ट है पूरी तरह से निकल जाएगी। लेकिन इसे आपने करना है वीक में दो बार। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है पैक, यानी आपने जब स्क्रब करना है तो साथ ही आपने पैक भी लगाना है। ये दोनों चीजें आपने वीक में एक या दो बार जरूर करनी है, लेकिन जो मैंने आपको क्लींजिंग बताई है, मतलब पोंछना बताया, साफ करना बताया, वो आपने डेली ही करना है। मतलब नाइट को तो आपने जरूर करना है, आप दिन में भी एक बार कर सकते हैं, एक बार रात को भी, उसका कोई नुकसान नहीं। तो थर्ड इसमें मैं आपको एक पैक बता रही हूँ, जो पैक आप हर तरह की स्किन वाले यूज कर सकते हैं और इस स्क्रब के साथ उस पैक को करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिलेंगे और आपकी चेहरा जो है, आपकी स्किन जो है इतनी खिली खिली और इतनी सुंदर लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। उस पैक में आपने क्या करना है, थोड़ी सी दही लेनी है यानी एक चम्मच आपने बेसन में यूज करना है, पिंच हल्दी यानी हल्की सी हल्दी डालनी है जो खाने वाली हल्दी होती है जो सब्जी में हम डालते हैं, और थोड़ा सा रोज वाटर डाल देना और हल्की सी यानी आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी। ये चार चीजों को आप मिक्स कर लो और पैक बना लो। ये हर तरह की स्किन वाले इस पैक को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्लीन कैसे करना है, चेहरे को हमने सुंदर कैसे बना के रखना है। यानी मैंने पहले भी आपको एक बार बता दिया है कि आपने ये चीजें वीक में एक बार और दो बार कर सकते हैं, और जो पोंछना है वो आप डेली करें तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा, बहुत ही ग्लोइंग लगेगी स्किन आपकी, बहुत ही चमकदार लगेगी। तो हर कोई चाहता है, तो आप इसे यूज़ करें और अपने एक्सपीरियंस में से शेयर करें, मुझे बताएं। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।